The ratio between the present ages of P, Q is present ages mein ratio hai P over Q 6 over 7 ki. Yani ke 7P is equal to 6Q. If Q is 4 year old then P. Yani ke Q ki age mein se 4 minus kar dein to wo P ke equal hoga kyunki ye 4 years old hai. What will be the ratio of the ages of P and Q after 4 years? और उनकी 4 साल बाद उनकी ages में ratio क्या होगी 4 साल बाद? तो इसका हिसाब पहले हम इनकी present ages calculate करेंगे, फिर उनमें 4 year add करके फिर ratio ली जा सकती है. तो Q minus 4, अब हम यहाँ से किसी एक की value निकालने के लिए P की वैल्यू हम इधर डाल देते हैं जो कि Q माइनस 4 है. तो ये हो गया 7 इंटू Q माइनस 4 इज इक्वल टू 6Q, और ये हो गया 7Q माइनस 28 इज इक्वल टू 6Q. अब ये 6Q इधर ले जाएं और 28 इधर आ जाए तो 7Q माइनस 6Q इज इक्वल टू Q, और ये इधर आकर 28. तो Q की वैल्यू हमारे पास 28 आती है. अब Q की वैल्यू इधर डालने से 28 माइनस 4 इज इक्वल टू P, तो P की वैल्यू है 24 की. अब 4 साल बाद इनकी एजेस कितनी हो जाएंगी, क्योंकि हमने जो रेशो बतानी है वो 4 ईयर बाद की है. तो 4 साल बाद Q की एज After 4 years ये हो जाएगी 32 की, क्योंकि ऑलरेडी 28 है, 28 में 4 ऐड किया तो ये 32 हो गई. इसी तरीके से आफ्टर 4 ईयर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28. अब हमने इनकी रेशो बतानी है, व्हाट विल बी दी रेशो ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू. तो पी को पहले रखें, पी है 28 और क्यू है 32. देखें किससे कैंसिल होता है, ये 7 4 28 एंड 8 4 32. तो ये रेशो होती है 7 8 की, जो के ऑप्शन ए में दिया गया है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन A.